क्लास हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टीसीपी के बारे में। तो इनडायरेक्ट टीसीपी कहाँ वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, उसके लिए एक डायग्राम दिया हुआ है। क्या है, बताया गया है कि अगर एक वायरलेस मोबाइल होस्ट है तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा, जो एक फॉरेन एजेंट है वो वायर्ड इंटरनेट से कनेक्ट होगा। वायर्ड इंटरनेट जो आपके घर में लीज लाइन कनेक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ कोएक्सियल केबल, ठीक है, वो करेस्पॉन्डेंट इंटरनेट के बाद में जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हो, करेस्पॉन्डेंट नोड जीमेल हो सकता है, याहू हो सकता है, जूम का सर्वर हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा इनडायरेक्ट टीसीपी, जो इनडायरेक्ट टीसीपी का काम है वो ये है कि टीसीपी सेगमेंट्स ऑफ कनेक्शन नो चेंज इन टीसीपी प्रोटोकॉल होस्ट कनेक्शन टू वियर्ड इंटरनेट। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड टीसीपी एज इट इज वर्क करेगा, हमारा इनडायरेक्ट टीसीपी जनरली वायरलेस टीसीपी जो हमारे फॉरेन एजेंट या राउटर से मोबाइल होस्ट के बीच में कनेक्टेड है यहाँ पे वर्क करेंगे, जिसमें जो इसमें वर्क करेंगे इस नोड के लिए वो इनडायरेक्ट टर्म में वर्क करेंगे, ठीक है। हमारे रीसेंट कनेक्टेड नोड्स के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे, मगर जो इस प्रोटोकॉल के बेस पे हम इससे जब कनेक्शन करेंगे दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टीसीपी। सिर्फ सेंस इतना है, आप लोग डायग्राम बना ले इसमें, ओके, और ये नोट कर ले, ऑप्टिमाइज्ड टीसीपी प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल होस्ट, ये जो होगा उसके लिए ऑप्टिमाइज पाथ होगा करस्पॉन्डिंग नोड से मोबाइल होस्ट तक कनेक्ट करने के लिए। अब ये जो कनेक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक फॉरेन एजेंट और मोबाइल होस्ट के बीच में कनेक्शन, दूसरा फॉरेन एजेंट एंड करस्पॉन्डेंट नोड के बीच में कनेक्शन, जिसको हम स्टैंडर्ड टीसीपी एंड वायरलेस टीसीपी के टर्म में बात कर रहे हैं। नो रियल एंड टू एंड कनेक्शन एनी लॉन्गर, यानी मतलब एक एंड से दूसरे एंड का कनेक्शन सिंगल वे में नहीं रहेगा, दो पार्ट में डिवाइडेड करने की वजह से होगा। होस्ट इन द पार्ट ऑफ फिक्स ऑफ द नेट ड्यू टू नोटिस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वायरलेस पार्ट, होस्ट जो है वो वायरलेस होने की वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डू नॉट नोटिस द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होस्ट है वायरलेस पार्ट होने की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वायर्ड वे में कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस वे में कनेक्टेड है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टीसीपी की ब्रीफिंग होती है थोड़ी सी। बना लिया डायग्राम? आप लोगों ने डायग्राम बना लिया बेटा?